हेलो गाइस, दिस इज जॉर्डन एंड यू गाइस आर वाचिंग देश ऑनलाइन। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 साउथ अफ्रीका में जारी है, जिसका सभी को इंतजार था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि सेमीफाइनल में फिर दोबारा हमें देखने को मिलेगा। ये मैच काफी शानदार रहेगा। मैं बात करता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंचे? इंडिया ने अपने ग्रुप में 3 मैच खेले, तीनों मैच बड़े शानदार तरीके से खेले और तीनों में से तीनों जीते। और बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, 3 में से 2 मैच जीते और 1 मैच उनका वाइट वॉश हो गया रेन के कारण। और आगे मैं आपको बताता हूँ इंडिया के जो बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं और फील्डर्स हैं, उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया। यंग गन्स का नाम दिया गया उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग, सब में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। इसी दौरान बात की जाए लीग टेबल में मैच जीतने के बाद, इंडिया का मैच क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुआ और वहीं पाकिस्तान का अफगानिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच एक तरफा रहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक तरफा हराया। और बात की जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, वहाँ पर थोड़ा कांटे की टक्कर दिखी थी, लेकिन एंड में आते आते इंडिया ने वो मैच भी एक तरफा कर दिया। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा था दोनों तरफ से। ऑस्ट्रेलिया को हरा कर इंडिया सेमीफाइनल में पहुँचा और पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा के सेमीफाइनल में पहुँचा सुपर लीग के। बात करी जाए टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर की, इसमें इंडिया के बल्लेबाज यश आरसी जायसवाल, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैक टू बैक उन्होंने 350 लगाई हैं, काफ़ी शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 207 रन के साथ वो चौथे स्पॉट में है। और बात करी जाए गेंदबाजों की, गेंदबाजों का प्रदर्शन तो शानदार रहा, बहुत ज़्यादा शानदार। टॉप 10 में इंडिया के 4 बॉलर्स हैं, अंकित कुमार, कार्तिक तिवारी, काफ़ी शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा। और फील्डिंग तो लाजवाब है इंडियन टीम की। पाकिस्तान के भी गेंदबाज और बैट्समैन का काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। हालांकि आपने देखा होगा पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी अंडर 19 की जो टीम है उसमें हमेशा शानदार खिलाड़ी सेलेक्ट करता है। और पहले भी देखा गया है कि इंडिया और जब पाकिस्तान का मैच हुआ हमेशा रोमांचक हुआ है, चाहे वो 2006 देख लो, चाहे 2018 एक तरफा मैच था, लेकिन जो 2006 और 2004 और जो मैच हुए थे काफ़ी शानदार हुए थे। पाकिस्तान हमेशा से ही अच्छे खिलाड़ी सेलेक्ट करने में सफल रहा है। बात करें जब सेमीफाइनल की, तो मैच दोनों तरफ से अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी यंग पोटेंशियल है। और बात की जाए पाकिस्तान के पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, तो मैच देखना बनता है गाइस। इंडिया की जो स्टार्टिंग 11 है उसमें शायद प्रियम गर्ग कैप्टन रह सकते हैं, उनके बाद कार्तिक त्यागी हैं, उनके बाद यश आश्वी जायसवाल हैं जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके अलावा तिलक वर्मा, दिव्यांश सक्सेना, रवि बिश्नोई, ध्रुव जिवाल जो कि विकेट कीपर हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के, सुदेश वीर, आकाश सिंह, अथर्वा अंकुलेर और सुशांत मिश्रा को भी हम देख सकते हैं प्लेइंग 11 में। और बात करी जाए पाक अंडर 19 की, तो उनके कैप्टन और विकेट कीपर रोहिल नाजीर जो कि कमान संभालेंगे अंडर 19 टीम की, फाइनल में देख सकते हैं हमें संभालते हुए। अब्बास अफरीदी, हैदर अली, मोहम्मद हरिस जिनका बल्ला काफ़ी उमदे तरीके से चल रहा है टूर्नामेंट के दौरान, उसके अलावा हमारे पास कासिम अकरम है, आमिर अली है, फहाद मुनीर है, इरफान खान है, मोहम्मद थराउरा है, ताहिर हुसैन है और मोहम्मद आमिर खान। आप भी देखिए, ज़रूर देखिए ये मैच कल, जो कि 4 फरवरी को खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में। चीयर्स कीजिए अपने यंग गर्ल्स को और बाकी देखते रहिए देश ऑनलाइन जॉर्डन के साथ कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।